ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ। आज दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो है आपके लिए। हुंडई के शोरूम में हूँ और आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे कि एक वीडियो बनाओ कि जिसमें आप ग्रैंड आइटन के जो चेंजेस करे गए हैं वो आपको देखने को मिले, तो यही मोटिव है, आपको यही दिखाना है। कोई इतना आपका लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, डिटेल वीडियो नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे साथ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर ऋषभ, जो यहाँ पे शोरूम पे हैं, वो आपको सारे जो चेंजेस हैं वो बता देंगे, तो आपको भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। बाकी आप अगर इनकेस इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, उसको मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। काफ़ी पुरानी गाड़ी हो गई है इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं समझी, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ऋषभ जी के पास, मिस्टर ऋषभ के पास, और जो इसके चेंजेस हैं वो आपको मिस्टर ऋषभ बताएंगे। तो सर ओवर टू यू। अब आप ये वाला मॉडल पहले बता दीजिए कौन सा है। सर ये मैग्ना वेरिएंट है। मैग्ना वेरिएंट है, तो इसमें सर क्या क्या चेंजेस किए गए पुरानी वाली से वो आप बता दो। सर पुरानी वाली से अगर चेंजेस का देखा जाए तो सबसे पहला एक एयरबैग प्लस कर दिया गया है। इसमें एयरबैग्स आ गए हैं, डुअल एयरबैग हो गए, ठीक है। एबीएस स्टैंडर्ड, मतलब पहले एयरबैग नहीं आता था, पहले सिंगल एयरबैग आता था, सिंगल मतलब फ्रंट दोनों आ गए एयरबैग, ठीक है सर। इसके बाद एबीएस स्टैंडर्ड हो गया है पूरे वेरिएंटो में, एबीएस स्टैंडर्ड हो गया है। अच्छा, अब मतलब जो लोअर से लेके टॉप तक एबीएस, ठीक है, एबीएस और एयर दो एयरबैग स्टैंडर्ड रहेंगे। इसके बाद सर क्या चेंज किया गया? चेंजेस की बात की जाए तो ऊपर की रूफ रेल, आइए सर पास से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं जो रूफ रेल है, जो सर आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये रूफ रेल यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसके अलावा सर यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड वे टैंक क्लैडिंग ऐड कर दी गई है और ये क्लैडिंग ऐड कर दी गई है। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई क्रोम वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकता है? लग जाएगा, तो ये कंपनी की तरफ से फिटेड आ रहा है, कंपनी की तरफ से फिटेड, तो आपकी जो साइड क्लैडिंग बोलते हैं। तो सर इसके अलावा इस मॉडल में कोई चेंज है? सर इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, मतलब ये हो गया फाइनल है इसमें, ठीक है। अब अगला वाला सर मॉडल कौन सा दिखाएंगे? स्पोर्ट्स। तो चलते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो जो स्पोर्ट्स मॉडल है उसका सर आपको बता देंगे। सर उसमें इतने कोई ज़्यादा चेंज नहीं है शायद स्पोर्ट्स में? उसमें स्पोर्ट्स में इतने चेंजेस नहीं है, सिर्फ दो चेंजेस हैं। तो चलिए स्पोर्ट्स के पास चलते हैं। और सर यहाँ पे पहला चेंज क्या है वो बता दीजिए। सर जो पहला चेंज किया है वो रियर स्पॉइलर का, ये स्पॉइलर दे दिया है, ठीक है। तो काफी ये एक्सटेंशन में दिया है, हाँ। पहले भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहता था यहाँ पे, ये एक्सटेंडेड सर जैसे आपने मैग्ना में देखा कि उसमें लोअर पे दिया हुआ, हाँ, ये थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ दे दिया गया, तो ये काफी अच्छा भी लग रहा है, कर्टेंस का और वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या चेंज किया गया? चीज बढ़ा दी गई है वो है सर डीआरएल लाइट। अच्छा डीआरएल लाइट आ गई इसमें, फ्रंट पे डीआरएल लाइट, तो ये पहले आपके स्पोर्ट्स मॉडल में नहीं आती थी? सर पहले नहीं आती थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने चेंजेस देख लिए, सर केवल दो चेंजेस किए गए और सर इसके किसी मॉडल में चेंज किया गया? किसी मॉडल में चेंज नहीं, बाकी सब वैसे ही आ रहे हैं, मतलब इन दो मॉडल मैग्ना और आपका जो स्पोर्ट्स इसमें चेंज किया गया है। तो दोस्तों सर ने आपको जैसे यहाँ पे बता दिया है, ऋषभ सर साथ में मेरे, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है कि लगभग आपको उसमें सर चार चेंजेस किए गए हैं। एक आपका डुअल एयरबैग हो गया, आपका एबीएस हो गया, साइड क्लैडिंग हो गई और आपकी रूफ रेल हो गई, जो आपका मैग्ना मॉडल है। और स्पोर्ट्स में सर ने आपको बता दिया कि केवल आपका जो पीछे का स्पॉइलर रियर स्पॉइलर है और आपका जो डीआरएल है वो ऐड कर दिया गया है। सर थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की मेरे व्यूअर्स से। तो जो लोग भी अभी लेना चाहते हैं अपडेटेड मॉडल, तो आप हुंडई के शोरूम जा सकते हो। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो मैंने आपसे कर दी है। सर ने भी आपको अच्छे से सारा बता दिया है यहाँ पे। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर